साहिल भाई, आज हमारी गाड़ी का क्या 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 काम आज होने वाला है? आज आपकी गाड़ी में पिकअप का काम होगा, इनलेट EGR टर्बो साफ होगा। अच्छा, EGR और इनलेट सब साफ करेंगे आप? जी। बढ़िया। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद पे गाड़ी डेंटिंग होगी। ठीक। तो दोस्तों, साहिल भाई आपको दिखा रहे हैं कि कैसे साहिल भाई आज EGR साफ करेंगे, उससे पिकअप और बढ़ेगा। कोई प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि ऑथराइज जो सर्विस सेंटर हैं और जो लोग खोल के रखे हैं तो उनके यहाँ काम ख़राब होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जो हिडन टैलेंट्स हैं, जो कहते हैं ना कि हुनर सब में होता है, किसी का दिख जाता है तो किसी का छुप जाता है, ठीक है। उसी तरीके से मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारे लोकल जो मैकेनिक हैं, जो लोकल जो मतलब कि जो लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनका काम मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिसमें उनका काम दूर दूर तक फैले, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से हम गाड़ी की केयर करते हैं, हम चाहते हैं कि जहां हम सर्विस कराएं वो भी उस तरीके से केयर करें, और वो केयर जिस तरीके से गाड़ी की केयर आप करते हैं उसी तरीके से आप साहिल भाई के पास आएंगे। आप अगर सतना में आसपास में कहीं से भी हैं, सतना मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश का एक बहुत खूबसूरत सा ज़िला है सतना। ये गाड़ी मैहर की है और ये जो गाड़ी है पीछे, ये मैहर की है। और सतना से मैहर की दूरी कितनी होगी साहिल भाई? मैहर की दूरी होगी करीबन 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर। और साहिल भाई के पापा भी बता रहे थे कि सतना में यहाँ पे इलाहाबाद तक, बनारस तक की गाड़ियाँ बनने आती हैं, ठीक है। तो वो क्यों आती हैं? क्योंकि क्वालिटी है। मैं सिर्फ, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो लोकल जो बिजनेस है, जो लोकल जो लोग हैं जिनमें सही में हुनर छुपा हुआ है, हम उन्हें सपोर्ट करें, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी गाड़ी का, ये साहिल भाई क्या है ये? तो EGR बोलते हैं। ये EGR है और EGR की हालत आप देख सकते हैं क्या है, कितनी एकदम ब्लॉक है ये पूरा। ये साफ होगा और पिकअप इससे और इंक्रीज होगा। ये हेला कंपनी का है। ये देखिए, यहाँ पे लगता है ये, इसको पूरा अभी, जैसा कि साहिल भाई के पापा ने बताया था कि इसको पेट्रोल से इसको डाल के कुछ देर छोड़ेंगे फिर साफ करेंगे। ये अब इनलेट अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इनलेट अब यहाँ से खुलेगा, ठीक है। एक बार खुल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल घुसाना फिर काम में भी दिक्कत आएगी। इसको क्या कहते हैं साहिल भाई? इसको इनलेट, इसको इनलेट बोलते हैं जी। और हमारे इनलेट में भी जो EGR चोक था उसके चलते इनलेट में काफ़ी स्लज जम गया है। स्लज भी साहिल भाई आज साफ़ करेंगे और फिर आपको हम राइड लेके दिखाएंगे। ठीक।
दोस्तों ये देखिए, ये EGR, ये देखिए इतना स्लज जमा हुआ था। एक ये देख साहिल भाई अभी और दिखा रहे हैं, देखिए ये देखिए। इससे क्या नुकसान है साहिल भाई? ऐसे गाड़ी पिकअप नहीं देगी, इंजन कुछ दिन बाद डाउन होने लगेगा। और इसको साफ कर देंगे तो फिर ये गाड़ी 10 लाख मतलब लाख चलने के बाद एक गाड़ी का ये काम कराना ज़रूरी है। ये देखिए ये इनलेट है और इनलेट साहिल भाई ने उतार लिया है। ये देखिए ये है और इससे अभी अब साफ़ करेंगे। साफ करके इसका पिकअप बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखिए जो स्लज है ये सब साफ होगा। ठीक है की पिन। ये देखिए जब करें तो ऐसे फ्री जानी चाहिए अब, और पहले एकदम चोक था। इस लेवल का काम होता है। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों अब ये पूरा साफ हो गया। जैसा पहले की वीडियो में साहिल भाई ने दिखाया था अंदर से स्लज एकदम मोटा मोटा कीचड़ के तौर पे निकल रहा था। अब भैया ने अंकल ने इसको मस्त साफ किया है। अब उसमें पैकिंग लगेगी, पैकिंग लग के ये टाइट होगा हमारा इनलेट मैनिफोल्ड और EGR कंप्लीट हो गया। EGR ये रखा हुआ है, ये भी साफ है। मैं आपको दिखाऊं ये देखिए ये अब दब रहा है। ठीक है पहले नहीं दब रहा था ये हेला का। जितने भी काम थे सब कंप्लीट हो चुके हैं और अब यहाँ से अब गाड़ी अब जा रही है। तो यहाँ से जाएगी तो डेंटिंग और पेंटिंग होगी, तो मिलते हैं डेंटिंग और पेंटिंग के वर्कशॉप में। वहाँ की अपडेट आपको वहीं चल के देते हैं। थैंक यू।